इसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। कम से कम अगर हम लोग ईमानदारी से बात करें, जेपी आंदोलन से निकले नेताओं की फेरिस्त बहुत लंबी है। उसमें जैसा कि विष्णु जी कह रहे थे, आप अपना साझा कर रहे थे, रविशंकर प्रसाद हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये कई एक लंबी फेरिस्त है जो इस समय अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सुशील कुमार मोदी थे, मैं इतना ही एक बात कहूंगा, जब उनसे बहुत कुछ पूछा जाता था कि नीतीश कुमार ने जब 2010 में लुधियाना में हाथ मिलाया था, मुझे वो सीन याद है, नरेंद्र मोदी के साथ हाथ ऊपर कर दिया था 2009 का 10 तारीख की वो रैली थी, तो बहुत कस के हंगामा मचा और सबने पूछा कि नीतीश कुमार ने तो हाथ मिला लिया। सुशील मोदी इकलौते वो आदमी थे जो निकल कर बाहर आए थे, और उन्होंने बीजेपी के नेता होते हुए भी, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके बोले थे अभी मोदी को, नीतीश कुमार को किसी बाहरी मोदी की जरूरत नहीं है, जब तक बिहार में सुशील मोदी है तब तक नीतीश कुमार को किसी मोदी की जरूरत नहीं। ये वो शो करता है कि उनकी पार्टी उन पर कितना विश्वास करती थी और कि वो समझते थे कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं, और बिहार में जिस तरीके की सियासत है वहां पर कैसे जवाब देना है। आप देखिए, अभी विष्णु जी ने भी बताया, आपने भी बताया कि लालू यादव पर जो कैरियर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसमें वो दोषी पाए गए, सजाए सजायाफ्ता हुए हैं, उसमें सुशील मोदी सबसे बड़ा फैक्टर। और आप 2017, शायद पंकज जी आपसे बढ़िया, 2017 में जो आरजेडी और जेडीयू का जब विघटन हुआ और टूटा, तो उसमें आप समझ सकते हो उससे पहले 4 महीने पहले से किस तरीके से लैंड फॉर जॉब स्कैम का उन्होंने खुलासा करना शुरू किया था, और किस तरीके से दिल्ली में उन्होंने बैठकें करके और नीतीश कुमार को समझाकर, मैं ये कहूंगा, नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि आप अपनी पॉलिटिक्स को खराब मत करिए। इकलौता अगर कोई शख्स था बिहार बीजेपी के अंदर जो नीतीश कुमार के सामने ये कह सकता था कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप आरजेडी आपका नेचुरल अलायंस नहीं है, नेचुरल अलाई नहीं है, ये बात जो वर्ड हुआ था तो सबसे पहले सुशील मोदी ने बोला था। उन्होंने हमेशा ये कहा, जब 15 में सरकार बनी, जीत के आए, सुशील मोदी ने कभी नीतीश कुमार से ये नहीं हुआ कि आंखें चुराई हो, आंख में आंख डाल के उन्होंने सदन के अंदर कहा, बोले आप सत्ता जीत आए होंगे, आपने विरोध किया है, इसके लिए आप पछताएंगे। और शायद आज नहीं है सुशील कुमार मोदी हमारे बीच, आज जो खबर आई है, लेकिन आप सोचिए, वही नीतीश कुमार अब घूम घूम के कह रहे हैं, मोदी जी से मंच पे कह रहे हैं कि मेरा विरोध गलत था, मैं भूल गया था, इधर गया उधर गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो और उन आप कार्यकुशलता देखिए उनकी, 2011 में वो वित्त मंत्री थे जब जीएसटी की एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन बनाया जाना था, उस दौर में जब जीएसटी के लिए सहमत बनानी थी सभी राज्यों से और सभी वित्त मंत्रियों की बैठक होती थी, तो जब बंगाल में सरकार चली गई वामपंथियों की, उसके बाद जब चुनाव करना था तो एकमत होके कांग्रेस, कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी, नाम गया था सुशील मोदी का, और मनमोहन सरकार, मुझे याद है, एम्पावर्ड कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया, और बहुत काम किया है जीएसटी को, कैसे किन किन चीजों को जीएसटी में लाया जाए, किन चीजों को नहीं लाया जाए, और कैसे सहमत बने राज्यों के बीच, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी सुशील कुमार मोदी ने, क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री की एक कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस चाह रही थी 2009 में सरकार में आने के बाद कि जीएसटी लागू कर दे, हालांकि वो 2014 तक नहीं लागू कर पाए, और वो पूरी तरीके से तब लागू हो पाई जब नरेंद्र मोदी की फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की और उसको लागू करते।
उसमें जो आर्किटेक्ट है, अगर हम कहें आर्किटेक्ट है, तो सुशील कुमार मोदी की बड़ी भूमिका थी। इसी तरीके से बिहार में राजनीति की बात करें तो बिहार में भी आपने देखा होगा जब 2015 में बाढ़ आई थी किस तरीके से वो निकल कर आए थे और सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था कि मैं डूब रहा हूं पानी में, पटना शहर डूब रहा है। तो 2018 आप ये देखिए कि सुशील मोदी जो एक ऐसे नेता थे कि जिनको कुछ बोलना है तो वो हद से, और आज आपने अभी ट्वीट पढ़ के सब नेताओं के सुनाए थे, लालू यादव उनको कितना पर्सनली मानते हैं, और सोचिए जिसके राजनीतिक करियर पर, लालू यादव जैसे नेता के राजनीतिक करियर पर दांव खत्म कर दिया एक तरीके से। अब तेजस्वी है लेकिन आप ये सोचिए वो आज भी सुशील मोदी, ये होता है कि आप मतभेद है, मन भेद नहीं है। इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुशील मोदी एक वो नेता थे, और मैं अगर पैन इंडिया में भी उनको शामिल करूं, वो 90 में लोकसभा पहुंच गए थे, वो फिर बाद में उनको लेके आया गया राज्य की राजनीति में, और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, जब कुछ चंद लोग नाम जानते थे बिहार बीजेपी में, शत्रुघ्न सिन्हा का, आज वो नहीं है, टीएमसी में है, शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, सीपी ठाकुर हुआ करते थे, और जैसा कि आपने कैलाश जी का नाम लिया, लेकिन धीरे धीरे सुशील मोदी जब नेता विरोधी दल बनाए जाते हैं और वो मजबूती से काम करते रहते हैं, आप उस दौर में याद कीजिए जब बीजेपी के लिए लालमुनि चौबे नेता विरोधी दल से और वो केंद्र की राजनीति में लाए जाते हैं और सुशील मोदी ने उस जगह को भरा था। तो सुशील मोदी ने बीजेपी को खड़ा किया, जिस तरीके से आपने बताया एबीवीपी से निकल के आए थे, अरुण जेटली से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मैं कहूंगा उनके अक्रॉस द पार्टी उन्होंने, अच्छा कभी भी आप भाषाई मर्यादा की बात करें तो सुशील मोदी की भाषाई मर्यादा वो बहुत सौम्य तरीके से, अगर गुस्साते भी थे, आप याद कीजिए उनके पुराने फुटेज निकलवाइए विधानसभा में क्या हंगामा होता था लालू यादव के समय में, जब लालू यादव विपक्ष में हुआ करते थे, राबड़ी देवी किस तरीके से चिल्ला, लेकिन सुशील मोदी जब बोलते थे ना वो बहुत सौम्य तरीके से, बहुत छोटा बोलते थे, वो बहुत लंबा भाषण नहीं देते थे। बीजेपी में नेता जब बोलना खड़े होते हैं तो बहुत देर तक बोलते हैं, बहुत कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन सुशील मोदी की जो खासियत थी कि वो टू द पॉइंट और मतलब बिल्कुल तीर निशाने पे कि क्या बात कहनी है और क्यों कहनी है। चारा घोटाले में उन्होंने एक एक पर्ते खोली, सबूत रखे हाईकोर्ट के सामने, कैसे हुआ, कहां तक खुला, ये हमसे किसी से नहीं छुपा हो, लेकिन जब वो लालू क्या इफ्तार पार्टी होती थी उसमें भी पहुंचते, ये खूबी थी जो सुशील, जो अच्छा आप देखिए बिहार जैसे, बिहार यूपी में हाईली मतलब जातिगत राजनीति होती थी और वो इतने बड़े नेता बन के उभरे, आप समझ लीजिए कि उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी तो वो क्या थी, वो जाति धर्म से ऊपर शायद वो पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान देते थे। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एक बात आपके विष्णु बेहतर जानते होंगे, अगर आप उनकी पत्नी के बारे में जानेंगे तो उनकी पत्नी क्रिश्चियन हैं, तो आप समझ लीजिए कि सर्वधर्म संभाव में उनका भरोसा था। जेपी आंदोलन से निकले थे, एबीवीपी में मुख्य पद पर रहे, वो एबीवीपी से ही निकले थे, वो ठीक है मतलब राष्ट्रभक्ति भी उनमें थी और बहुत टू द पॉइंट बोलते थे। मैंने एक बात आपको बताया कि मैंने बिहार बीजेपी के कई नेताओं को देखा है, बहुत नजदीक से मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सुशील मोदी को जितना टू द पॉइंट, जितना अपडेटेड, जिस तरह की जानकारी, और वो कहीं भी किसी तरीके से बात करते हुए ऐसा नहीं दिखता था, एक लोकल जो बिहारी टच होता है ना, वो जिस तरीके से लोग बात करते हैं, सुशील मोदी का एक ही तरीका होता था, दिल्ली में कैसे बात करना, पटना कैसे बात करना है,
मैं सिर्फ आपसे पंकज जी एक इंसिडेंस मेरा पर्सनल सुशील मोदी से रहा। बिहार भवन में मुलाकात हुई थी और मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में था, कह लीजिए बहुत ज्यादा तब एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे, ये 2005 और 6 के बाद सरकार बनने के बाद आए थे वो। मैंने कहीं पढ़ा था इन्हीं तिकड़ी के बारे में जो आप बैच ऑफ 77 कहते हैं। मैंने सुशील जी से किसी के थ्रू मिलना हुआ तो मैंने मतलब उनसे पूछा कि मैंने एक इंसिडेंस एक पत्रिका में पढ़ा था, उसकी आपसे सत्यता जानना चाहता हूं कि लालू यादव, मैंने जो एक मेमोर पढ़ा था किताब में, शायद आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि ये तीनों लोग एक साथ थे और पटना विश्वविद्यालय में आंदोलन होना था। लालू यादव से बात हुई, पूरा सेट कर लिया गया कि आपको पहुंचना है। नीतीश कुमार से बात हो गई, सुशील मोदी की बात हो गई, नीतीश कुमार, सुशील मोदी तय समय पे पहुंचते हैं, नीतीश कुमार को लालू गच्चा दे देते हैं, वो कहते हैं मैं मटन बनाकर पहुंचता हूं, आप लोग पहुंचिए, और लालू उस आंदोलन को उस दिन के लिए वो मटन के बहाने गायब हो जाते हैं। तो मैंने सुशील मोदी से पूछा कि क्या सर, मैं बहुत छोटा हूं लेकिन पूछ रहा हूं कि ये था इंसिडेंट? बोले हाँ था, ये लालू जी का स्टाइल था, वो हमेशा ही मौके पे दगाबाजी कर जाते थे दोस्तों में भी। तो मतलब वो जो बोलते थे, मतलब बहुत सहजता से वो किससे बता देते थे और बोलते थे। मुझे लगता है कि अटल जी के साथ भी उनका बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से गांधी मैदान में जब पहला 2005 में जब सरकार चुन के आती है और बीजेपी बम्पर बहुमत से आती है, तो वहां पे आपने देखा कि हम लोगों ने सबने देखा होगा कि अटल जी ने सुशील मोदी को सबसे आगे रखा हुआ था। नीतीश कुमार चेहरा थे लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर कोई बड़ा नाम था तो वो सुशील मोदी थे। मैं ये मानता हूं अटल आडवाणी के समय में हो या मोदी अमित शाह की बीजेपी हो, जो लोग बाइफरकेट करते हैं आज के जमाने में 2014 से, लेकिन सुशील मोदी का ट्रांजिशन आप अटल आडवाणी युग से मोदी शाह के युग में भी देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं तो यूपी से लेके बिहार तक कई राजनेताओं ने या तो पार्टी छोड़ी है या वो उस पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविटी वो करते थे, पॉलिटिक्स ऑफ निगेटिविटी नहीं करते थे। पंकज जी, विष्णु जी, आप इससे सहमत होंगे कि जो मैं ये कह रहा हूँ वो आज के दिन हम लोग बहुत से किस्से याद करेंगे, उनके पॉजिटिव ही किस्से याद करेंगे, लेकिन मुझे आज तक बहुत ज्यादा कोई इंसिडेंस नहीं मिला कि किसी ने कहा हो कि सुशील मोदी ऐसे थे, बहुत गुस्सा जाते हैं, ये नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के जीवन में हर तरीके के लोग टकराते हैं। एक ऐसी साफ छवि के नेता का जाना, ये बिहार बीजेपी के लिए नहीं भारतीय सियासत के लिए बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और आप उनकी साफ गोई देखिए, उन्होंने 3 अप्रैल को ही अनाउंस किया कि मुझे कैंसर है, मैं आपकी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि बीजेपी बहुत बढ़िया करेगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। उन्होंने जब एक्सपोस्ट आया था तो हम लोग सब हतप्रभ रह गए थे।